गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीना पानी ऑनलाइन एजुकेशन धारेडू। क्लास 12th, सब्जेक्ट आपका अकाउंट्स। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 4 का फोर्थ पार्ट। ओके, देखिए बेटा, आज हम करेंगे गुडविल ट्रीटमेंट का थर्ड मेथड। मैंने आपको दो करवाए थे, एक था प्राइवेट वाला। प्राइवेट वाले में हमें कोई एंट्री नहीं करनी होती थी, ठीक है। जो हमने सेकंड मेथड किया था वो था आपका कैश का। तो जब भी पार्टनर गुडविल कैश में लेके आ रहा था तो उसके लिए हमने यूज किया था प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड। क्या यूज किया था? प्रीमियम फॉर गुडविल। अब थर्ड मेथड में अगर आपका पार्टनर कैश में गुडविल नहीं लाता है, वो कैश में नहीं ला रहा है, तो आपको क्या वर्ड यूज करना है? करंट अकाउंट। क्या यूज करना है? करंट अकाउंट। देखो कैसे करते हैं इसको। देखो, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए एंड बी टू पार्टनर्स हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी को इन्होंने नया पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए, और अब इनका न्यू रेशियो हो गया 5:4:3। तो अब आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है। आप सेक्रीफाइस रेशियो इजिली निकाल सकते हो। क्या था हमारा सेक्रीफाइस का फॉर्मूला? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड में से किसको माइनस करना है? न्यू को। तो ओल्ड था ए का 3/5, न्यू है 5/12, ठीक है। सॉल्व किए रहेंगे इसको, यहाँ क्या आया? 36 माइनस 25, तो 11/60। ऐसे आप बी का निकालोगे। फिर कहता है जो हमने सी को पार्टनर बनाया वो 50,000 की कैपिटल लेके आया कैश में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल 50,000 50,000 हो गया। बट अब बट जो आया वो क्या कहता है? कुड नॉट ब्रिंग। वो गुडविल के लिए कुछ भी नहीं लेके आया, गुडविल नहीं लेके आया। और हमें ये, अब जब वो लेके नहीं आया तो हम एंट्री किससे करें? हमें ये पता है कि फर्म की गुडविल, सी के एडमिशन, जब हमने सी को पार्टनर बनाया उस दिन हमारी फर्म की गुडविल थी 48,000। तो 48,000 का 1/4 कितना हो गया? 12,000। मतलब सी की गुडविल कितनी है? 12,000। तो एंट्री क्या बन जाएगी अब आपकी? सी करंट अकाउंट। सी को क्या करोगे? करंट अकाउंट से, क्योंकि वो गुडविल कैश में नहीं लाया। अगर कैश में लाता तो क्या कर देते? प्रीमियम फॉर गुडविल। अब डज नॉट ब्रिंग इन कैश, तो क्या किया आपने? करंट अकाउंट डेबिट। और ए और बी क्या हो जाएंगे आपके? क्रेडिट। किस रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है। कहता है कि व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन दी बुक, अगर आपके गुडविल ऑलरेडी बुक्स में हो और नया पार्टनर गुडविल कैश में ना लेके आए, ठीक है, तो आप क्या करोगे? हमने सेम उसमें भी किया था ना, जब हमने गुडविल कैश में लेके आता था, तो ओल्ड जो गुडविल होगी, जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड होती है, वो हमेशा किस में पार्ट डिवाइड होगी? ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो में और कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अगर गुडविल आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी अपीयर्ड दे रखी है तो वो हमेशा ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगी एंड ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होगी। क्लियर? नेक्स्ट देखो, आप कहता है जॉर्ज एंड हेनरी कितने पार्टनर्स हैं? दो पार्टनर्स हैं, जॉर्ज और हेनरी। कितना रेशियो है इनका? 3:2। दे डिसाइडेड, इन्होंने डिसाइड किया कि डेविड को भी पार्टनर बनाएंगे। पहले जॉर्ज और हेनरी थे, अब डेविड भी हो गया। एंड इनका जो न्यू रेशियो हो गया वो क्या हो गया? 1:1:1। तीनों का क्या हो गया? इक्वल इक्वल हो गया। अब ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, तो सेक्रीफाइस रेशियो आप इजिली निकाल सकते हो। कैसे? ओल्ड में से किसको माइनस कर दोगे? न्यू को। तो क्या आ जाएगा? सेक्रीफाइस रेशियो। कहता है डेविड 50,000 कैपिटल के लिए क्या आया? तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डेबिट कैपिटल क्या हो गया? 50,000 हो गया ना। फिर कहते हैं गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, फर्म की गुडविल कितनी है? 60,000, पूरी फर्म की है। हमें किसकी निकालनी है? डेविड की। डेविड कितने के लिए आया? 1/3, क्योंकि तीन पार्टनर थे और 1, 1 और 1 में हुए, तो 1/3 हो गया। डेविड का कैंसिल किया, कितना बन गया भाई? 20,000, है ना। तो अब कैश में तो लाया नहीं, और ए पार्ट में कहते हैं कि गुडविल कोई भी अपीयर भी नहीं है, तो हम तो सीधी एंट्री कर देंगे डेबिट करंट अकाउंट डेबिट। किस किस में? जॉर्ज और हेनरी में। कौन से रेशियो में हो जाएगी? सेक्रीफाइस रेशियो में। समझ में आया? लेकिन अब बी वाले केस में कहते हैं कि गुडविल अपीयर्ड है कितने की? 50,000 की। और सी में कितने की है? 1 लाख की। देखो इसको कैसे करेंगे। आप कह फर्स्ट केस में आपको क्या बोला था कि गुडविल ऑलरेडी अपियर्ड है, कितने की अपियर्ड थी? 50,000 की। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो गुडविल अपियर्ड होती है वो किस में डिवाइड होती है? ओल्ड रेशियो में। और कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में। तो आपकी एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से? एक तो जॉर्ज था, जॉर्ज को डेबिट कर दिया। एक हेनरी था, हेनरी को डेबिट कर दिया। और टू में क्या आ जाएगी आपकी? गुडविल। गुडविल थी 50,000 की और रेशियो था इनका क्या? 3:2, तो उसमें डिवाइड कर दो। फिर सेकंड, तो जो लास्ट केस था आपका थर्ड वाला, उसमें इसने बोला था कि गुडविल अपीयर्ड है लेकिन कितने की है? 1 लाख की। तो 50,000 की जगह क्या आ जाएगा? 1 लाख आ जाएगा। जॉर्ज डेबिट हो जाएगा, हेनरी डेबिट हो जाएगा, और टू में गुडविल। और कौन सा रेशियो? 3:2 में हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगर गुडविल अपीयर्ड दी हुई हो तो पहले गुडविल अपीयर्ड को डिवाइड करोगे। और इन क्वेश्चन के अंदर बाकी दोनों एंट्री आपकी सेम रहेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट जॉर्ज और हेनरी, और कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में।
देखिए अब क्या कहता है इलस्ट्रेशन 40, ए एंड बी टू पार्टनर्स हैं आपके पास, ठीक है भाई, कितना रेशियो ए और बी का, 3:2, ए एंड बी टू पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में है, 3:2 में, सी को पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए, अब जिसको 1/4 के लिए बनाया ना उसका वो 1/6 तो ए से ले रहा है और 1/12 बी से ले रहा है, तो पहले इसका एलसीएम निकाल लिया हमने, क्या बना भाई 2:1, ये दोनों ए और बी क्या करें हैं सेक्रीफाइस अटैक कर रहे हो, तो इनका सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो गया 2:1, फिर सी अपनी है ना गुडविल 50,000 लाता है आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 90,000, भाई उसकी जो गुडविल थी, अब टोटल गुडविल है ना उसमें से उसने कुछ हिस्सा कैश में देना है और कुछ हिस्सा उधार में देना है, तो जो कैश में देगा वो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से आ जाएगा और जो उधार मतलब करंट में देगा वो किसके नाम से हो जाएगा आपका करंट के नाम से, ठीक है। देखो अब उसकी गुडविल कितनी थी भाई, टोटल थी 90,000 जिसमें से 50,000 तो वो कैश में लाया था, ये तो क्या है प्रीमियम फॉर गुडविल, और जो 40,000 बच गई वो आपकी क्या हो गई करंट अकाउंट। देखो कैसे करोगे इस एंट्री को, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 50,000 कैश में लाया था हो गई, सेकेंड एंट्री के लिए क्या करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल तो डेबिट हो गई 50,000 से, अब करंट अकाउंट उधारे कितने थे 40, 2A and 2B किस रेशियो में होगा ये 2:1, जो आपने इनका सेक्रीफाइस रेशियो निकाला था। अब देखो डिवाइड तो पूरे 90,000 होंगे, चाहे वो कैश में लाए चाहे उधार में दे, ठीक है, लेकिन अब दिखाएंगे दोनों को अलग अलग नाम से, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या कहता है आपको कि ए एंड बी टू पार्टनर्स हैं जो किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं इक्वली, मतलब 1:1 में, दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप, इन्होंने सी को पार्टनर में बनाया, ठीक है, सी ना 50,000 लाया फॉर प्रीमियम आउट ऑफ ए शेयर ऑफ प्रीमियम 90,000, उसका था कितना 90,000 जबकि वो लाया कितना कैश में सिर्फ 50,000, तो वो भी पिछले जैसा सेम है और गुडविल ऑलरेडी अपियर्ड कितने की है 3,00,000 की, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ नहीं बोला हुआ ना किसी का भी रेशियो, तो जो ओल्ड रेशियो है उसी को आप क्या मान लोगे सेक्रीफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो को ही क्या मान लिया जाएगा सेक्रीफाइस रेशियो। तो सबसे पहले हम किसकी एंट्री करेंगे, गुडविल अपियर्ड कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, तो ए को डेबिट बी को डेबिट और टू गुडविल, तो 1,50,000 टोटल वैल्यू 3,00,000 की थी, ठीक है। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितनी लाया कैश में, कैश में सिर्फ कितने लाया 50,000, तो एंट्री किसने से होगी 50,000 से। फिर क्रेडिट में अब दोनों की एंट्री करनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में तो 50 थे ही और करंट में कितने आपके 40,000 और 2A और 2B डिवाइड कितने होंगे आपके पूरे 90,000, ना कि आप हाफ को डिवाइड करोगे, चाहे वो कैश में लाए चाहे उधार में लाए डिवाइड दोनों के दोनों होंगे, ओके। नेक्स्ट ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या कहता है, हरी रवि और कवि तीन पार्टनर हैं, हरी रवि और कवि पार्टनर्स हैं किस रेशियो में बेटा 3:2:1 के अंदर है, ठीक है। गुरु को इन्होंने पार्टनर बनाया 1/7 के लिए और इनका न्यू रेशियो, न्यू भी गिवन है ओल्ड भी गिवन है, तो आप सेक्रीफाइस रेशियो बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर कहता है गुरु ब्रॉट 3,00,000 तो अपनी कैपिटल के लिए लाया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुरु कैपिटल और 45,000 लाया किसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, तो दिखा दिया आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, जो आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं वो क्या हो जाएंगे आपके क्रेडिट हो जाएंगे। अब इसके अंदर इन्होंने कवि को डेबिट क्यों किया होगा, इन्होंने कवि को डेबिट करने का रीजन ये है, देखो अब इनका हम पहले सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं 3/6, एक कवि किसका निकालते हैं, हाँ कवि रवि हरि का 3/6 और नीचे क्या हो जाए यहाँ पे क्या हो गया 2/7, 42, 7, 3, 21, 6, 2, 12 तो 9/42, ठीक है हो गया एक तो। नेक्स्ट देखो फिर क्या अपना 2/6 और यहाँ कितना आएगा भाई 42, 7, 2, 14 और 6, 2, 12 ये कितना हो गया 2/42, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। फिर हमारा 1/6 और यहाँ है 2/7, ठीक है, तो 42 यहाँ क्या हो गया 7 और यहाँ हो गया 12। अब देखो बेटा इसका माइनस में आ रहा है ना, तो माइनस में आएगा ना तो वो वाला क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि माइनस का मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब भी किसी पार्टनर का नेगेटिव आता है ना तो उसका मतलब उसको क्या हो रहा होता है गेन हो रहा होता है, ठीक है। तो ये इसको क्या हो रहा है गेन हो रहा है, इसीलिए इसको क्या किया डेबिट किया और बाकी दोनों आपका एज इट इज चलेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करके देखना, सोल्व करना है ये क्वेश्चन तो कंपलसरी है ही, 2 टाइम इसको सोल्व करना है, ओके। आज के लिए आपका इतना ही सिलेबस था, इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, थैंक यू।